हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कुल फेवरेट दिन, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, कभी अगर आपने प्ले स्टोर को ठीक से देखा होगा तो कभी एक अगर स्पेसिफिक ऐप को अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि बिकम अ बीटा टेस्टर। तो ये क्या होता है और एक्चुअल में जो ऐप्स के बीटा वर्जन जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं और क्या हमें यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, मतलब सेफ़ है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने ठीक से देखा हो तो जो बीटा वर्जन होता है वो सबके लिए नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बीटा वर्जन बनाए जाते हैं और बस वही लोग ही उस बीटा वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बीटा वर्जन एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर कभी आपने देखा हो, इन शॉर्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कभी आप अगर पहली बार खाना बना रहे हो, ठीक है, अगर आप पहली बार कोई खाना बना रहे हो तो सीधा जाके कोई मेहमान को आप सर्व तो करोगे नहीं, उसके पहले आप खुद टेस्ट करोगे। अगर आपके पास अगर मम्मी पापा कोई खड़े हो उनको पहले दोगे कि आप खा के देखो कैसा टेस्ट लग रहा है सबका, मतलब नमक वमक ठीक है कि नहीं, वो सब आप देखोगे। और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ ये खाना सही है तब आप जाके लोगों को सर्व करोगे, ठीक। सो यही सेम होता है एप्लीकेशंस में, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप सिर्फ एक दो लोगों को ही पूछते हो क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ पे खाना खाएंगे। लेकिन एप्लीकेशंस में क्या होता है, कई हज़ारों लाखों लोग एक एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो फिर उसको उतने ही सटीक और सही होना चाहिए। और उसी की वजह से मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ से ये जो एप्लीकेशन है वो सारा पास होके जाता है और जब उन सारे जगह से वेरीफाइड होता है उसके बाद फाइनली सभी लोगों के पास वो एप्लीकेशंस पहुँचते हैं या फिर प्ले स्टोर में पहुँचते हैं जहाँ से हम नॉर्मल लोग उसको डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। सो जो बीटा वर्जन है वो भी वहीं पे आता है जहाँ पे पहले लोग उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन सभी नॉर्मल लोगों को यूज़ करने के लिए एप्लीकेबल है या फिर नहीं। ऐप की बीटा टेस्टिंग के पहले और तीन चार टेस्टिंग्स होते हैं, जिसमें से पहला यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद होता है क्यूए पास, और उसके बाद होता है अल्फा टेस्ट, और उसके बाद होता है बीटा टेस्ट। अब जो यूनिट टेस्टिंग है उसमें क्या होता है कि जो डेवलपर ने उसको डेवलप किया होता है, यानी कि एक ऐप को बनाया होता है फिर डेवलप किया जाता है, वही उसको पहले ठीक से यूज़ करके देखता है कि क्या ये ऐप ठीक है या फिर नहीं, और उसके बाद ये जाता है क्यूए पास की तरफ जहाँ पे उस ऐप की सारी क्वालिटी और कंट्रोल्स को चेक किया जाता है, और उसके बाद वो जाता है अल्फा टेस्ट की तरफ जहाँ पे दूसरे सारे डेवलपर्स होते हैं वो उस ऐप्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि सारे बग्स मतलब हटा दिए गए हैं और सब ऐप ठीक से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, और उसके बाद आता है बीटा टेस्ट। लेकिन बीटा टेस्ट की एक खासियत ये है कि ये कुछ चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं, मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों को दिए जाते हैं जो इस ऐप के उस बीटा वर्जन को यूज़ करते हैं। इससे होता है कि हम एक रियल टाइम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये जो ऐप है इसमें जो नए नए फीचर्स हैं क्या ये मतलब अच्छे हैं और सही से बिना बग्स के काम कर रहे हैं। और मज़ेदार बात ये होती है कि ये जो बीटा ऐप्स में जो सारे अपडेट्स होते हैं ये सारे दूसरे लोगों के लिए नहीं होते, इसलिए आप इनको इन शॉर्ट एक्सक्लूसिव और लिमिटेड अपडेट्स मान सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ये अपडेट्स अगर ठीक ना हो तो फिर उनको दूसरी अपडेट से चेंज किया जाता है और फाइनल ऐप्स को दूसरे लोगों के लिए तैयार किया जाता है। सो हाँ, ये जो बीटा अपडेट है ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है और इसमें जो भी सारे फीचर्स होते हैं ये भी मतलब जो बीटा यूज़र्स है उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। दूसरे सारे जो नॉर्मल लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो उसको नहीं देख सकते या फिर जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या नया नया आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बीटा टेस्टिंग के या बीटा टेस्टर के फ़ायदे क्या होते हैं हमारे लिए भी और कंपनी जो ऐप्स को बना रही है उनके लिए भी। तो सबसे पहली एडवांटेज तो यही है कि मतलब उसमें जो भी सारे फीचर्स दिखाए जा रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ बीटा टेस्टर तक ही सीमित रहते हैं, और इसके लिए जो बीटा टेस्टर्स को जो एक एक्सपीरियंस मिलता है वो सिर्फ लिमिटेड होता है और सिर्फ वही उसको फील कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर इंस्टाग्राम पे मैं एक बीटा टेस्टर हूँ और मैंने उसका एक बीटा अपडेट डाउनलोड किया है तो उसमें जो कुछ फीचर्स होंगे वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। दूसरे साल जो नॉर्मल लोग हैं जो इंस्टाग्राम को यूज़ करें जिन्होंने बीटा वर्जन को मतलब डाउनलोड नहीं किया या फिर अपडेट नहीं किया है वो उसको नहीं देख सकते या फिर जान सकते कि उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स डाले जा रहे हैं या फिर आने वाले हैं, लेकिन वो एक बीटा टेस्टर है वो उसको देख सकता है। और दूसरी चीज़ जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक कमर्शियल अपडेट है, मतलब सभी के लिए ये एक अपडेट नहीं है। सो मतलब अगर इसमें कोई बग होगा जो पहले सारे टेस्टिंग करके आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो टेस्ट मैंने कहा कि बीटा टेस्ट पहले भी होते हैं, तो वहाँ से अगर किसी बग पे अगर नज़र ना रखाओ
तो फिर वो जो बग है वो शायद अगर बीटा टेस्टर को दिख जाए तो फिर हाँ वो फाइनल रिलीज के पहले उसको ठीक किया जा सकता है, जिसके मदद से कि दूसरे सारे जो लोग हैं उनको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब एक अच्छा एक कंप्लीट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और जो दूसरी चीज़ है कि मतलब यहाँ पे टेस्टर की कम्युनिटी बढ़ जाती है, मतलब इन शॉर्ट अगर कभी भी अगर दूसरे ऐप अपडेट्स हो तो फिर उसको ये जो बीटा टेस्टर्स हैं ये इसको पहले टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मतलब और जो लोग हैं दूसरे लोग उनको एक अच्छा यूज़र इंटरफेस और एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे कि मतलब ऐप्स को भी और दूसरे सारे लोग को भी जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जो बीटा टेस्टर है वो कोई भी हो सकता है, मैं आप कोई भी हो सकते हैं, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो कंपनी वाले हों या फिर मतलब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर ही। सो इसके लिए होता क्या है कि इसकी मदद से जो भी सारे नॉर्मल लोग हैं वो उस ऐप को एक देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और इसकी वजह से एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सकता है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कुछ कुछ ऐसा अपडेट्स में डाल देते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो लोग हैं जो यूज़र्स हैं एक्चुअली उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। सो यही अगर बीटा टेस्टर्स अगर पहले यूज़ कर दें तो फिर वो जैसे कि हम सब नॉर्मल लोग ही यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो एक्सपीरियंस है वो अगर हम उनको फीडबैक में बताएं तो फिर उनको ये पता चल सकता है एक्चुअली में इस अपडेट को मतलब फाइनल प्रोडक्ट में डालना है या फिर नहीं। अब अगर एडवांटेज अगर कह दिए तो इन शॉर्ट ऐसा तो नहीं है कि सारे एडवांटेज हो, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। सो एक्चुअल में डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, कुछ है लेकिन इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्ट करके ही बीटा टेस्टर्स को दिए जाते हैं, जिसके मदद से कि ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि कुछ बग्स बीटा टेस्ट ऐप्स में रह जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि कभी कभी आपका जो बीटा वर्जन है वो उस ऐप का वो कभी कभार क्रैश भी हो सकता है, मतलब कभी अगर अचानक आप यूज़ कर रहे हो तो अचानक वो क्रैश भी हो सकता है, मतलब अचानक ही बंद हो सकता है और बीच में ही लैग हो सकता है, ये होने के चांसेस है क्योंकि ये एक फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो मतलब कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बीटा वर्जन में। और कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा है उसके भी लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती फाइनल प्रोडक्ट से, और इसके वजह से कभी कभार थोड़े से जो डेटा है पर्सनल डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो अगर आप डेवलपर से कॉन्टैक्ट करें तो फिर आपको नॉर्मली आराम से मिल जाते, कोई बड़ी बात है नहीं वैसे, लेकिन हाँ ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा ये तुक्का लगने के बराबर है, मतलब बहुत कम होता है, ये सभी बीटा टेस्टर के साथ ये नहीं होता है, इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप अगर चाहो तो फिर उस बीटा वर्जन को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं बीटा वर्जन, कौन कौन यूज़ करने के लायक है, सो ऐसी कोई मतलब क्वालिफिकेशंस है नहीं इस बीटा वर्जन को यूज़ करने के लिए, कोई भी अगर जिसकी भी मर्ज़ी हो कि वो चाहता है बीटा वर्जन को यूज़ करना वो यूज़ कर सकता है। और अगर आप कहोगे कि कैसे बीटा वर्जन में अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इधर साइड हो जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्क्रीन में, आप कहीं भी जा सकते हैं, अगर ऐप्स में अगर आप जाओगे कोई भी प्ले स्टोर में वहाँ पे किसी भी ऐप को अगर सर्च कर दोगे थोड़ा सा नीटे जाओ तो वहाँ पे लिखा होता है बिकम अ बीटा डेवलपर टेस्टर, यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा होता है, वहाँ पे आप ज्वाइन नाउ पे आराम से क्लिक कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स ऐसे मतलब एग्री करने के लिए बोले तो वहाँ पे आप यस यस क्लिक कर दीजिएगा, और कुछ ही समय मतलब 5-10 मिनट या फिर मैक्सिमम घंटे भर में आपका वो जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और उसके बाद अगर आप उस ऐप को मतलब जो उसका जो अपडेट है उसका आप डाउनलोड कर लेते हो तो आप एक बीटा डेवलपर बन जाते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, आपको पता चल चुका होगा कि बीटा वर्जन क्या होता है, बीटा टेस्टर क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।